मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म को लेकर ना असुरक्षित महसूस करता हूँ और ना ही अपनी आस्था किसी अन्य व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करता हूँ। हम सभी को उनके कर्म के नजरिए से देखते हैं, ना कि धर्म से। लेकिन आजकल मेरे समाज और मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना कुछ लोगों की आदत बन गई है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कान छुपाए हैं। कामासूत्रा। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए सब। If your husband is a wife, you are updating my husband, bitch. And सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। क्या ये इन्हें किसी तरह से ज्यादा बुद्धिजीवी बनाता है? आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कॉमेडी के नाम पर लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा अचरज की बात तो यह है कि इन कॉमेडी में जो आम बात है वह हिंदू है। ये लोग मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और लोगों को मेरे ही धर्म के बारे में झूठी बातें बताकर मेरे ही भगवान को नीचा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं इनके घटियापन पर हंसूं। पहले मुझे लगता था कि ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को ये पता चल चुका है कि ये लोग सरकार के साथ साथ मेरे धर्म को भी नीचा दिखाने की मंशा रखते हैं। एक पवित्र विश्वास को खत्म करना चाहते हैं, मेरे विश्वास और गर्व को नीचा दिखाकर खुद की मान्यताओं को ऊंचा करना चाहते हैं। कॉमेडियन सुरलीन कौर इस्कॉन को मानने वालों की तुलना पॉर्न से कर रही हैं। सुरलीन इस वीडियो में ऋषि मुनियों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, उन्हें वासना से भरा हुआ बताती हैं। सुरलीन कहती हैं कि संस्कृत का इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। ये सब सुनना किसी मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी खुलेआम मंच से भगवान राम और माता सीता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और सामने बैठे दर्शक बेशर्मों की तरह अपने ही भगवान पर हो रही अभद्रता पर हंस रहे हैं। यही इस भारत की विडंबना नहीं तो और क्या है? इनके लिए कितना आसान है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, लेकिन जब बात किसी और धर्म की आती है तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को हिंदुत्व और मोदी सरकार एक दूसरे का पर्याय क्यों लगते हैं और राजनीतिक पार्टी का मजाक उड़ाने की आड़ में मेरे धर्म का मजाक क्यों बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मेरे धर्म ने दुनिया में किसी को कभी भी कोई हानि पहुंचाई हो। मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां मेरी माँ आस्तिक है और रामायण पढ़ती है। हम गीता का पाठ करते हैं, हम छोटा गणेश और महाभारत देखकर बड़े हुए हैं। ये मेरी खूबसूरत यादें हैं जो बहुतों के साथ मैंने साझा की हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का इतिहास ऐसा नहीं है जहां किसी का कभी उत्पीड़न किया गया हो, लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर दिन मेरी आस्था को कुचलते हैं। ये लोग कलात्मक आजादी की बात करते हैं, लेकिन इनकी कलात्मक आजादी तब कहां चली जाती है जब बात किसी दूसरे धर्म की होती है। क्या केवल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अधीन केवल हिंदू देवी देवता ही आते हैं? क्या इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बीड़ा उठाया हुआ है? मेरे ख्याल से कॉमेडियन का काम मजाकिया चुटकुले बनाना होता है जिसे लोग सच में समझ पाएं और जिससे उनका मनोरंजन हो सके, लेकिन मनोरंजन के नाम पर केवल एक धर्म की आस्था और मान्यता को गाली देना, उसको लेकर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस प्रकार की कॉमेडी है? विडंबना तो यह है कि ऐसा करने के बाद भी अंत में ये लोग हिंदुओं को ही असहिष्णु घोषित कर देते हैं। कॉमेडी के नाम पर चल रहा यह धंधा हम हिंदुओं को शर्म से मर जाने को मजबूर करती है। लेकिन क्या कहें, हम तो इंटेलेक्चुअल हैं ना, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इनके ये चुटकुले, ये गंदी भाषा का प्रयोग सुनकर बहुत मजा आता है। अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे इन कॉमेडियंस को हम बहुत सराहते हैं, कॉमेडी किंग कहते हैं। अरे शर्म करो हिंदुओं, अगर अब भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? हो सकता है मेरी इस वीडियो को लोग धर्म से जोड़ें। अरे जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म की भावनाओं को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं खिलाफ हूँ हर उस चीज के जो मेरे धर्म और मेरे भगवान को गालियां देती हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जागरूक हो सकें।
मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।